अक्सर बिग बॉस की कंटेस्टेंट जब भी लाइव आते हैं या कोई सेशन करते हैं तो उस समय पर उनके अपोजिट के क्वेश्चंस जो है वो फैन जरूर करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है एलिगोनी के साथ और एलिगोनी से सवाल किया गया है रुबिनव के बारे में। तो आखिरकार क्या है सवाल और क्या दिया जवाब, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए यहाँ पे ना आपको क्रॉस कनेक्शन नजर आएंगे, मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जब जैस्मिन भसीन घर के अंदर थी और एलिगोनी की एंट्री नहीं हुई थी, तब भले ही जैस्मिन का रुबीना के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड ना हो, लेकिन अभिनव शुक्ला के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो वहीं पर ही जब एलिगोनी की एंट्री हुई तो एलिगोनी का कनेक्शन भले ही अभिनव शुक्ला के साथ में ना बना हो उतने अच्छे तरीके से, लेकिन रुबीना के साथ में बना था। खैर अब देखिए दोनों ही पार्ट जो है कहीं ना कहीं सामने आए थे जब जैस्मिन रुबीना के खिलाफ हुई थी और अभिनव फिर भी जैस्मिन के साथ में जुड़े हुए थे, रुबीना ने नहीं टोका था, लेकिन जब रुबीना एली जो है वो अभिनव के खिलाफ हुए थे तब रुबीना से सवाल कर लिया था। खैर अब आपको बता दूं, इसी बीच फैंस दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कोई एक ऐसा वर्ड जिस पर रुबीना और अभिनव का रिश्ता वो देखते हो, कौन? एलिगोनी। तो यहाँ पर एक फैन ने दरअसल रुबीना और अभिनव की तस्वीर को शेयर किया और उसपे कहा कि वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए आप रुबीनव को, और ये रुबीनव की ही फैन लगती है। वेल गाइस आपको बता दूं कि दरअसल जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे सवाल तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पिक किए जाते हैं एक्टर की तरफ से यानी कि एलिगोनी की तरफ से, वो सवालों के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं यहाँ पर कि एलिगोनी ने लिखा है दे आर लुकिंग अडोरेबल और दोनों जो है साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी बात से ही कहीं ना कहीं फैंस का दिल जो है एली ने एक बार फिर से जीत लिया है। तो आप मुझे बताइए रुबीनव आपको कैसे लगते हैं एक साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।